हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो किंग और बेला का जो डिस्ट्रैक ड्रॉप हुआ है उसके बाद से काफी सारे रैपर्स के इस पर रिएक्शन देखने को मिला है। कुछ न्यू डिस्ट्रैक्स भी अनाउंस हो चुका है। तो बेला जब से इस बीफ में एंटर हुआ है उनको काफी हेट मिल रहा है। तो एक स्टोरी डाल के बेला बताते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसके पोस्ट पे भी लोग हेट फैला रहे हैं। तो वो कहते हैं, जिसको जो बोलना है बोलो, मैंने जो किया मेरे यार के लिए किया। किंग तब आया जब नो वन केयर्ड, किधर है बेला, सिर्फ मेरे फैंस थे साथ में। एमीवे भाई पहले डीएम का रिप्लाई दे दो फिर शाउट आउट, इट विल मेक मोर सेंस। बाकी मेरा नाम लाके दोस्तों की लड़ाई, ये चुतियाप हजम नहीं होता। लास्टली बीफ चाहिए तो तुझे पता है मेरा नाम क्या है। फिलहाल दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मेरी बंदी के फोटो के नीचे कमेंट करने वाले हिजड़ों की मां डैश दो, बीफ अब होगी स्ट्रेट अप। सीधा गाना डालूंगा फक इट। इसके बाद से एक भाई की उन्होंने स्टोरी रीशेयर करी थी। मेरे को एक बात बताओ गाइस, जब एमीवे हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है इंस्टाग्राम लाइव के जरिए हो या फिर ट्रैक्स के जरिए हो, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है और उसने सीधी बात बोली है कि अगर आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, अगर आप मेरे सर्कल में नहीं हो, अगर हम लोगों की बात नहीं होती, देन आप मेरे बारे में किसी और से बात मत करो, चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, जो भी हो, आप मेरे बारे में बात मत करो। और उस वक्त काफ़ी सारे लोगों ने ट्रोल किया कि ये कैसा रैपर है, इंस्टाग्राम लाइव करता है, चीज़ें एक्सप्रेस करता है लाइव में, ट्रैक्स में नहीं करता है, रोता है वगैरह वगैरह। मैंने तब भी बोला कि एमवे एक्सप्रेसिव है और उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है, सब एक समान नहीं होते। तब मैंने ये चीज़ बोली थी और आज भी मैं ये बोलूँगा, बेला वॉलंटरीली इस बीफ में नहीं घुसा, ठीक है। बेला का नाम लाया गया और बेला का नाम उस ट्रैक में लाया गया जिस ट्रैक से उसके दोस्त को डिस करा जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ही विल टेक अ स्टैंड और उसने स्टैंड लिया अपने दोस्त का। उसने क्लियर किया मैटर कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने उस वक्त वो बोला था तो वो फीलिंग अभी भी है, देन नहीं है। उस वक्त मैंने बोला था, ज़रूर बोला था, लेकिन अब वो फीलिंग नहीं है। अब हम भाई हैं, हम वैसे ही रहना चाहते हैं। और इंस्टाग्राम की स्टोरी में बेला ने एक्सप्रेस भी किया एंड उसने क्या किया, उसने डिस्ट्रैक्ट भी नहीं डेडिकेट किया, उसने कुछ भी एक वर्स भी नहीं किया, उसने बस चार लाइन का एक हुक किया। इसमें लोग बोल रहे कि बेला ने गलत किया, बेला लॉस्ट ऑल द रिस्पेक्ट। ऑल द रिस्पेक्ट, बेला का कोई राइट नहीं है। खैर, यंग गालिब जो है वो इस डिस्ट्रैक्ट पर रिएक्ट करता है, अकेले लड़ नहीं सकता ना, जरूरत पड़ गई। टोनी जेम्स कहता है, कितने भी आ जाओ रे, किंग अकेले ही आएगा। चिंग, ये सिंगिंग कंपटीशन नहीं है, जियान इज कॉलिंग यू। लोका उस डिस्ट्रैक्ट के नीचे ही कमेंट करता है, किस किस को अपने 5 मिनट वापस चाहिए, वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिस, ये तो फोन पे भी हो सकता था ब्रोस्की। खैर, एमसी हिम्बी इस बीफ में एंटर होने वाला है तो उन्होंने भी अपने एक डिस्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट कर दिया। पता नहीं क्यों आई फील किंग टुडे, कभी भी डाल दूंगा सरप्राइज। खैर, किंग की तरफ से एक पोस्टर देखने को मिली थी, आई वॉन्ट टू चिल लाइक दिस मंकी, बीन 8 मंथ्स माई पैक वर्किंग नॉन स्टॉप, थैंक यू सो मच एंड वंस हू हेट इट मोटिवेट्स मी टू डू वॉट आई लव डूइंग आर्ट एंड म्यूजिक। तो उन्होंने एक मंकी की वीडियो डाली हुई थी। खैर, मिक्स विद वासुदेव भी इस बीफ पे रिएक्ट करता है तो उन्होंने बेला को एक टेक्स्ट करा हुआ था, बेला भाई कभी डीएम का रिप्लाई करे बिना शाउट आउट मत देना वरना डिस कर दूंगा, एफ लॉजिक, आई स्टिल रिस्पेक्ट बेला एंड किंग इवन एमीवे, सब अपने फील्ड में शेर है, पर बेला को बीच में आने की जरूरत नहीं थी ऑनेस्टली। एमसी दीप की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली थी तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। खैर, स्वालिना की एक पोस्ट के नीचे एक भाई जो है वो कमेंट करता है, एमीवे वॉन वेदर बीफ और लाइफ, तो एमीवे रिप्लाई करता है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये तो बात हो गई इस बीफ की। इसके अलावा कृष्णा का जो नो कैप ट्रैक फीफा वर्ल्ड कप की रील में फीचर हुआ था उसको रफ्तार भी शेयर करता है अपनी स्टोरी में, रियल कृष्णा नो कैप। साथ ही पैंथर का फेथ ट्रैक आउट हो चुका है जो कि शूटर कालो के साथ है। साथ ही लिल बेबी को अभी अरेस्ट कर लिया गया है, रीजन वो एक वेपन लेके घूम रहे थे बिना परमिट के। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।